हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरआरएम क्लासेस। तो इस वीडियो में लेकर आए हैं हम एजुकेशन के 75 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सा, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? विलियम जेम्स द्वारा, विलियम बुंट द्वारा, विलियम मैकडूगल द्वारा, सर फ्रांसिस गॉल्टन द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, विलियम बुंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, प्रकृति का विज्ञान, आला का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, मन का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षा को स्वयं के विषय में ज्ञान देता है, शिक्षक छात्र का सर्वांगीण विकास कर सकता है, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है द, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का श्री गणेश हुआ था अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में, भारत में। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, यूरोप में। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान कहा गया? मन का, आत्मा का, चेतना का, इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? लिपजिंग में, स्टैनफोर्ड में, बर्लिन में, वियना में। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, लिपजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है या कथन है? पिल्सबरी का, ब्राउन का, थॉमसन का, बी एन झा का। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, पिल्सबरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की समस्याओं में समाधान में सहायक विधि है अंतर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, विकासात्मक विधि। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है मॉर्गन का, पिल्सबरी का, स्किनर का, रूसो का। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, मॉर्गन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के मूल आधार है 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट ऑप्शन है बा, 3 आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा क्या है? शिक्षा शिक्षक द्वारा मिलती है, शिक्षा पुस्तकों से मिलती है, शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है, शिक्षा जीविका है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सा, शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है अंतर्दर्शन विधि, नियंत्रित विधि, अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो इसका राइट ऑप्शन है द, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की अमूर्त भावनाएं काम करती हैं प्रदर्शन की अवस्था में, संदर्शन की अवस्था में, अंतर्दर्शन की अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, अंतर्दर्शन की अवस्था में। बहिर्दर्शन में निरीक्षण किया जाता है अपना, छात्र का, दूसरों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, दूसरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है बा, 4 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है अनौपचारिक अभिकरण, औपचारिक अभिकरण, आ और बा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, आ और बा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, अधिगम, गर्भावस्था की दशाओं, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है दाव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है 5 से 8 पाउंड, 8 से 12 पाउंड, 9 से 11 पाउंड, 11 से 13 पाउंड। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, 5 से 8 पाउंड। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 400 ग्राम, 350 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या ये सभी? तो इसका राइट ऑप्शन है आ, शैशवावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगों की संख्या है 8, 10, 14, 12। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, 14। शैशवावस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं 4 संवेग, 3 संवेग, 2 या 5। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, 3 संवेग पाए जाते हैं। जीवन का बसंत काल कौन सी अवस्था मानी जाती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? फ्रायड का है, क्रो एवं क्रो का है, स्किनर का है, एंडरसन का है। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, फ्रायड का है। बाल्यावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कहा है? वैलेंटाइन ने, क्रो एवं क्रो ने, वाटसन ने, स्किनर ने। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, वैलेंटाइन ने। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन है? हरलॉक का, कोल एवं ब्रूस का, स्किनर का, वाटसन का। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, कोल एवं ब्रूस का। किशोरावस्था प्रबल दबाव तथा तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है, यह कथन है? हॉल का, किलपैट्रिक का, क्रो एवं क्रो का, अरस्तु का। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, हॉल का। विकास का अर्थ है अभिवृद्धि, वृद्धि, परिवर्तन, स्वास्थ्य। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, अभिवृद्धि। बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने माना है? हरलॉक ने, रिजवी ने, गॉल्टन ने, जॉन लॉक ने। इसका राइट ऑप्शन है द, जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष के बालक की लंबाई बढ़ जाती है 20 से 21 सेमी, 30 से 40 सेंटीमीटर और 40 से 41 सेंटीमीटर, 45 से 55 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, 40 से 41 सेमी। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है व्यक्तित्वहीन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, भयमुखी व्यक्तित्व। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व।
अभिवृद्धि कहा जाता है? शारीरिक बढ़ोतरी को, मानसिक विकास को, सामाजिक चेतना को, संवेगात्मक विकास को। तो इसका राइट ऑप्शन है आप शारीरिक बढ़ोतरी को। विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा? गैसिल ने, मूसेन ने, ड्राइवर ने, हरलॉक ने। तो इसका राइट ऑप्शन है द हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास, अभिवृद्धि, वृद्धि, परिपक्वता। तो इसका राइट ऑप्शन है आ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन है बा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लेखक स्किनर, नन, ड्यूबी, थॉर्नडाइक। तो इसका राइट ऑप्शन है आ स्किनर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, हल, गुथरी, कोहलर। तो इसका राइट ऑप्शन है आ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत संबंधी प्रयोग किए गए थे? बिल्ली पर, कबूतर पर, बंदर पर, चिंपैंजी पर। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, बंदर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के जनक है मैकडूगल, कोहलर, वेबर, पावलोव। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, कोहलर, वेबर, पावलोव। तो इसका राइट ऑप्शन है आ थॉर्नडाइक। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कहा है गुथरी ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए? दो नियम, तीन नियम, चार नियम या पांच नियम। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, तीन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, पूर्णाकार, संज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, पूर्णाकार। साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के लेखक स्किनर, हल, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग शब्द में आर का तात्पर्य है रटना, पढ़ना, लिखना, आ तथा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, पढ़ना, लिखना। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलबर्ग ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, कोहलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है बा, स्पीयरमैन। पूर्णकार सिद्धांत से संबंधित हैं कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, क्रो एवं क्रो। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम है सीखने का अनुबंधन सिद्धांत, सीखने के नियम, संबंधवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन है सा, संबंधवाद का सिद्धांत। किसके अनुसार वर्क मॉडल दिया गया? डेविड कॉलो द्वारा, मियो नील द्वारा, नील फ्लेमिंग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सा, नील फ्लेमिंग द्वारा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक, हल, पावलोव, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत 1904 के प्रतिपादक हैं पावलोव, हल, गैने, कोहलर। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पावलोव से, थॉर्नडाइक से, कोहलबर्ग से, स्किनर से। तो इसका राइट ऑप्शन है द स्किनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो इसका राइट ऑप्शन है आ, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी।